फ्रेंड्स, मोनिका मेकओवर गैलरी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है टमाटर की। ये मैं 1 किलो टमाटर में बना रही हूँ रेसिपी, और इसके लिए मैंने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप देख सकते हैं कितने छोटे टुकड़े हैं, ताकि टमाटर ईजिली गल जाए। दूसरा, हमें चाहिए गुड़, और गुड़ इसमें हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ एक अच्छा मीठा स्वाद दे देता है। इसके लिए मैं 3 भेली गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, इतना बड़ा है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको कम और बढ़ा सकते हैं। छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून ऑल आपका रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। हमें चाहिए 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जो होती है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मगरेल का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं वो इन आपका ये जो आता है इससे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल घर के चम्मच से भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मगरेल, 1 टीस्पून मेथी, लहसुन 6 से 7 लहसुन को मैंने इतने पतले पतले काट लिए हैं, ताकि अगर ये मुंह में भी आए तो आपको पता ना चले। तो इतना पतला मैंने लहसुन को काट लिया है। अदरक मैं यहाँ पे एक छोटा 1/2 इंच, इतना 1 इंच अदरक का मैं यूज़ कर रही हूँ। इनको भी, अदरक को देखिए, मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ताकि ये मुँह में आपका बड़ा रहेगा तो मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे हैं तो आप इजिली इसको डाल सकते हो, पता भी नहीं चलेगा, खा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, छौंकने के लिए, तड़का देने के लिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा टेबलस्पून देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, और 3 छोटी इलायची, जिसको मैं तड़के में यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गैस को ऑन करें। गैस पे हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे। तेल ऐड करेंगे। थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी हमारा तेल पूरी तरह से फ्रेंड्स गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। चटकने तक थोड़ा भूनेंगे। ये चटकने लगा है, आग धीरे कर देंगे। अदरक, लहसुन, और हल्का लाल होने के लिए, सुनहरा लाल होने तक हल्का इसको भूनेंगे। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है, लहसुन अदरक ऐड करते ही खुशबू। ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, बस प्रिपरेशन टाइम लगाता है। नहीं तो ये आपकी रेसिपी 10 मिनट्स में बन चुके। अभी देखिए हल्का लाल हो चुका है, हम लोग आँच को धीरे ही रखे हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे ये टमाटर। टमाटर डाल देंगे, आग तेज कर देंगे, इसको थोड़ी देर भूनेंगे, कम से कम
2 से 3 मिनट। ये फ्रेंड्स हल्का हमारा भुनाया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे गुड़ के टुकड़े। ये मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, ये अपने आप ही गल जाएगा। बस इसको हम लोग लो फ्लेम पे पकने देंगे और इसका एक जो कलर आएगा वो थोड़ा डार्क कलर होएगा गुड़ डालते ही। इसको अभी हम लोग कम से कम गुड़ जब तक कि गल नहीं जाता है तब तक इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। ये जो फ्रेंड्स रेसिपी है इसको आप ब्रेकफास्ट पे पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ एक जैम की तरह यूज़ करके आप इसको खा सकते हैं। इस समय गर्मी का मौसम है तो आप इनको फ्रिज में रख दीजिए और आराम से ये आपका चलेगा और सवेरे का ब्रेकफास्ट आप इससे कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करिए। और इसके लिए जो आपको टमाटर यूज़ करना है वो एकदम लाल होने चाहिए, मतलब थोड़े गले हुए, ताकि ईजिली इसमें गल सके। कच्चे टमाटर का यूज़ नहीं करें क्योंकि कच्चे टमाटर उतना अच्छा टेस्ट नहीं देगा। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम लोग का चटनी पूरी तरह से खोल रहा है। इसको थोड़ा गाढ़े होने तक हम लोग इसको और करेंगे और मीठा आप अपना चेक कर लीजिए। अभी तो इसका मीठा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट बनके ये तैयार हो रही है, देखने में बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी चटनी पूरी तरह से बनके तैयार हो गई। इसका कलर भी चेंज हो गया और ये खट्टी मीठी के साथ साथ स्पाइसी भी है, मतलब क्योंकि जो इसमें हमने सूखे लाल मिर्चे डाले ना तो हल्का इसको चटक थोड़ा स्पाइसी भी दे देता है, जिससे कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अब इसके हम लोग फ्रेम को बंद करते हैं और तड़के की तरफ चलते हैं। गैस को ऑन करके तड़के के लिए हम यहाँ पे तड़का स्टैंड रखेंगे, देसी घी। देसी घी गरम होने देंगे, इसमें डालेंगे हम 3 इलायची।